वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते जहां जिंदगी बेपचरी हुई है, तो वहीं हजारों लोगों का रोजगार भी जा चुका है, जिससे मुरादाबाद भी अछूता नहीं है। मुरादाबाद में भी कितने ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन के चलते अपना रोजगार खो चुके हैं। ये रोजगार बदलने को मजबूर हुए हैं। पीतल लगरी के नाम से विश्वविख्यात मुरादाबाद में हजारों की तादाद में पीतल कारीगर पीतल के काम छोड़ फैक्ट्रियों में मेहनत मजदूरी कर घर का गुजर बसर कर रहे थे कि एक बार फिर लॉकडाउन की जद में आ गए हैं। हालात ऐसे हैं कि दो वक्त की रोटी कमा पाना भी मुश्किल हो रहा है। कुछ फैक्ट्रियां खुली जरूर हैं, लेकिन वह भी शर्तों के अनुसार। ऐसे में रोजमर्रा कमाने वालों पर बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। कुछ ऐसे ही मुश्किल दौर का सामना कर रहे हैं मुरादाबाद काशीराम नगर के रहने वाले केशवर सिंह। केशवर सिंह खुद तो दिव्यांग है, साथ ही उनकी धर्मपत्नी भी दिव्यांग है। केशवर सिंह की दो बेटी और एक बेटा है। 3 साल पूर्व कागज व कपड़े के थैले बनाकर परिवार का गुजर कर रहे थे कि मंदी की मार ने वो आसरा भी छीन लिया, तो एक हमदर्द ने सहारा दिया और ट्राईसाइकिल और मास्क दिलवा दिए। लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से वो भी नहीं बिक पा रहे। केशवर सिंह का कहना है कि मंदी की वजह से 100 या 150 रुपए की ही मास्क बिक पा रहे हैं। परिवार का पालन पोषण करना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में केशवर सिंह को किसी मदद की दरकार है और वो आस लगाए हुए हैं कि सरकार की अनगिनत योजनाओं में से किसी एक योजना का लाभ उनके भी हिस्से आ जाए। कुल मिलाकर इन तस्वीरों से यह साफ जाहिर होता है कि दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही तमाम योजनाएं जमीनी सतह पर खोखली साबित होती दिखाई दे रही हैं। पहले मैं कागज के लिफाफे बनाता था, कागज के थैले, जैसे शॉपिंग बैग हो गया, ये बनाता था बैठे बैठे। अब वो मेरा 3 साल से चल रहा था काम। उससे पहले मैं खाली था थोड़ा, फिर और करना था, फिर डाई की मशीन पे रहता था, डाई वाई डिब्बे तोड़ता था, कागज के डिब्बे वगैरह बनाता था कागज के। हाँ, अब बहुत परेशानी हो रही, दिक्कत हो रही, तो मांस का काम करना पड़ रहा है, मांस बेचने का। हाँ, कितने रुपए के बिक जाते हैं इस टाइम? तो 70-80 या कभी 150, कभी 200 ऐसे बिक जाते हैं। फैमिली में कितने लोग हैं? फैमिली में 3 भाई 2 भाई और हैं, मैं बड़ा हूँ सबसे। मेरे फैमिली में एक पत्नी है, दिव्यांग है वो, और मैं भी दिव्यांग हूँ, और तीन बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। 3 लड़के 2 लड़के? नहीं, 2 लड़के 1 लड़की है। पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई तो ख़त्म हो गई है हाई स्कूल करके। हाई स्कूल तक? हाँ, पापा नहीं पढ़ा पाए। पापा रिक्शा चलाते थे ना, तो बड़ी दिक्कत आती थी खाने पीने में आपके साथ। हाँ। अच्छा, बच्चे पढ़ाई करते हैं? बच्चे पढ़ते थे, अब स्कूल बंद हो गए हैं, इस पर ऑनलाइन पढ़ते हैं। ऑनलाइन पढ़ते हैं। हाँ। इस टाइम बहुत दिक्कत आ रही है खाने पीने की, बहुत दिक्कत आ रही है। घर से किस टाइम निकल जाते हैं? घर से मैं 6 बजे निकल जाता हूँ। सुबह 6 बजे? हाँ, नहीं, घर सुबह सुबह 8 बजे निकल जाता हूँ घर से। पूरे पूरे दिन घूमता रहता हूँ। कहाँ कहाँ घूमते हैं? जैसे बुद्धा पार्क चला गया, और मझोला चला गया, रोडवेज चला गया, स्टेशन चला गया। शाम 7 बजे तक। कितने रुपए की? 100-150 रुपए की हो जाती है, 100-150-200 रुपए की। मास्क कहाँ से लाते हैं आप? मास्क किसी ने मदद करी थी मेरी, उन्होंने कहा था कि मेरी गाड़ी देख के कि आप हमारे मास्क लगा लो, आप जो समझे वो दे देना। कोऑपरेट करते हैं वो? हाँ, कोऑपरेट करते हैं, उनका राजा नाम है। प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं है? नहीं, कोई मदद नहीं है, पेंशन मिलती है खाली, बस पेंशन मिलती है। हाँ। समय पर आ जाती है? समय पे भी नहीं आती है, 3 महीने के बाद आती है, कभी 6 महीने के बाद। एक बात बताया, 500 रुपये महीना मिलती है, 500 रुपये महीने में क्या होगा? 500 रुपये में 5 परिवार पल जाएगा क्या? बहुत दिक्कत आ रही है, इस तरह की समस्या आ रही है। हाँ, हाँ, लॉकडाउन बहुत है इस टाइम, खाने पीने की बहुत दिक्कत आ रही है। किस तरीके से गुजर बसर चल रहा है? इस टाइम बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत ही दिक्कत से गुजरना पड़ रहा है। सुबह चाय पी के चाय खाली पेट भी निकलना पड़ता है। अच्छा। हाँ, काम के लिए पैसे ना होने की वजह से। हाँ। अच्छा, जिस दिन मास्क नहीं बिकते तो उस दिन मास्क तो बहुत सारे लोग बेच रहे हैं। हाँ, मास्क तो बहुत गलियों गलियों में बेचते हैं लोग, बिक जाते हैं, कभी पानी पी के भी सोना पड़ता है, क्या करें। क्या दुआ करेंगे जैसे हम? दुआ ही करेंगे सर, खुल जाए, थोड़ा राहत मिले, हाँ, सब लोगों को, बाद में हम लोगों को मिल जाए। बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है। बच्चे घर में कहते होंगे पापा क्या लाए? हाँ, पापा पूछते हैं, बच्चे देखते हैं, राह देखते हैं, पापा क्या लाए क्या नहीं लाए।
कैसे समझाते हैं बच्चों को? मैं समझाते हैं कि बेटा आज नहीं बिका है, ये है वो है, कल देखेंगे। पढ़ाई कहाँ तक की? पढ़ाई हाई स्कूल तक करी है। कोई अप्लाई किया किसी गवर्नमेंट से? नहीं, डीएम साहब से भी मिले थे हम दो तीन बार। डीएम साहब ने भी आश्वासन दिया कि यार कि ऐसे नहीं होता है कि आपको सरकारी नौकरी एकदम दी जाए। हाँ, डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है, पहले अमित कुमार घोष थे उनको भी दिया था, अब राकेश कुमार जी हैं उनको भी दिया है एप्लीकेशन, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि ऐसे नहीं होता है डायरेक्ट। नगर निगम में जो प्लॉट खोदे गए आवंटित किए गए? हाँ, उनको उनमें मकान मिला हुआ है, A2 75 कमरा नंबर है आपको। हाँ, दुकान के लिए अप्लाई किया था? दुकान के लिए अप्लाई किया तो नहीं मिला कुछ भी। दिव्यांग है आप, आपकी बीवी भी दिव्यांग है, उसके बाद भी नहीं मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्या बताया गया आपको? पता नहीं के टालम टोली कर रहे हैं कि या कल आना परसों आना ऐसे कहे, फिर लॉकडाउन लग गया है। किस बिरादरी से हैं? मैं एससी कोटे से हूँ, अनुसूचित जाति से। उसके बाद भी आपको प्लॉट नहीं? प्लॉट तो मिला है, दुकान खोका नहीं मिला है। जैसे रोजगार खोलने के लिए कोई मदद करी जाए वो नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। क्या चाहते हैं प्रशासन से? मैं प्रशासन से यही चाहता हूँ कि मेरे को कोई रोजगार दिया जाए, सरकारी नौकरी नहीं तो कुछ तो मदद करी जाए। संविदा पे? हाँ, संविदा पे।